हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के सेशन के लिए. सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिटी, जो कि हमारे ऑलमोस्ट हर 2 दिन के गैप पर आपको एक पॉलिटिकल लेक्चर देखने को मिल जा रहा है. अगर आप लोगों ने किसी ने भी फर्स्ट लेक्चर देखा है, सेकेंड नहीं देखा, सेकेंड देखा है, फर्स्ट नहीं देखा, तो प्लीज़ बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप पहले दोनों के दोनों लेक्चर कंप्लीट करके आएँ. आपको एक अलग ही यू नो फीलिंग आएगी इस लेक्चर को लगाने की, ठीक है? बिकॉज दो क्वेश्चंस के आंसर हम लोग एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रहा है पूरा का पूरा पैटर्न, और वो काफी अच्छा तरीका रहेगा आपको यू नो पॉलिटी समझने का, और आपको पॉलिटी याद रखने में भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी. सो माय नेम इज आकाश एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस पर्टिकुलर लेक्चर इटसेल्फ. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. ये कुछ एग्जाम्स जो कि मैंने क्रैक किए हैं ओवर द ईयर्स. अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 ईयर्स इन टीचिंग, जो कि कुछ दिनों में 7 साल हो जाएंगे, मतलब एक दो महीने में 7 साल हो जाएंगे. लेट्स सी, वेट फॉर दैट मैटर. हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं कि सर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रिपलेस ऐप के ऊपर आप जा सकते हैं. ट्रिपलेस ऐप के ऊपर आप जा सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा. वहां पर आप जाकर फ्री टेस्ट, डेली फ्री टेस्ट वहां पर अपडेट किया जाता है, वहां पर जाकर आप वो एक्सेस कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट तो मिल ही जाएगा उसका. और वहां पर बहुत सारे कोर्सेज भी यहाँ पर लॉन्च हैं, जो भी आपके JNKA के एग्जाम्स होते रहते हैं उसके लिए आपके बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर. यू कैन गो देयर, यू कैन परचेज द डिजायर्ड कोर्स दैट यू वांट टू प्रिपेयर. एंड आपको पता है कि बहुत ज्यादा सब्सिडाइज रेट पर कोर्स देखने को मिलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब्सिडाइज, लाइक फॉर एग्जाम्पल अफोर्डेबल कोर्स है ना. अफोर्डेबल इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड राइट हेयर. सो अफोर्डेबल है सारे कोर्सेज, देयरफॉर यू कैन एक्सेस दैट कोर्स एज वेल. ओके, चल ये तो होगी राम कहानी, कुछ बातें होगी. बाय द टाइम आप में से बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को, तो कुछ बात मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू डू सो. प्लीज स्पेयर मी, 2 मिनट मुझे दे दो, ठीक है? फिर हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे सेशन के रिगार्डिंग जो भी हमारी कहानी है. द थिंग इज कि यार, मैंने देखा था कि जो अभी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो लेक्चर नंबर 1 था पॉलिटी का, उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3.5K यानी कि 3,500 लोगों ने उस सेशन को देखा, एंड काफी सारे लोगों ने इसे पसंद भी किया, विच इज गुड इनफ फॉर मी, ठीक है? और उसके बाद क्या कहते हैं, लेक्चर नंबर 2 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जब मैं ये अभी देख रहा था, जो लास्ट मैंने देखा था, अराउंड 1,800 के आसपास कुछ व्यूज वगैरह आए हैं. तो अगर देखा जाए, मोटा मोटा देखा जाए, तो अराउंड 50% ड्रॉप, यानी कि आधे लोगों ने पहला लेक्चर देखा, दूसरा लेक्चर नहीं देखा. तो देखो यार, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कितने लोग इस लेक्चर को देखने वाले हैं, कितने लोग इस लेक्चर को पसंद करते हैं, लेकिन आपने अगर पहला देख ही लिया तो दूसरा देखने में क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट इज कि यार, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव आपके लिए लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं. अब अगर आप देखो, इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, सेकंड लेक्चर आपने लगाया नहीं है, या वॉट एवर द केसेस. इट्स नॉट अबाउट द व्यूज, इट्स अबाउट कि मैं आप लोगों के लिए अगर कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, या फिर ट्रिपलेस की पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ रही है, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप उसका बेस्ट यूज ले पाओ. अब अगर आप फ्री क्लासेस भी ढंग से नहीं लगा पा रहे हो, उसके दो रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन क्या हो सकता है कि भैया आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको फीलिंग नहीं आ रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बात करूं, तो आपने पहले लेक्चर में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, सेकंड में थोड़ा सा कम रिस्पांस आया, तो क्या हो सकता है इसका मतलब कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा है. अगर ऐसा केस है तो कमेंट किसके लिए रखे हुए हैं भाई? कमेंट में जाकर भर दो, गालियां लिखनी है गालियां लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज कमेंट का इस्तेमाल करो. यहाँ पर लिखो कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, देयरफॉर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँ. जैसे कुछ लोग स्पीड के रिगार्डिंग बोलते हैं, ठीक है, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ी सी और आपके लिए स्पीड हल्की सी मॉडरेट लेवल पे कर दूं, ठीक है? कुछ लोगों को दिक्कत नहीं आती है, दैट इज ऑल्सो देयर. बाकी यूट्यूब के अंदर फीचर होता है कि आप अपनी स्पीड को वहां पर आप स्पीड मॉनिटर भी कर सकते हो, 0.75 पे आप देख सकते हो. लाइव क्लासेस के अंदर आपको दिक्कत आती होगी, उसके लिए मैं स्पीड मैनेज कर लूंगा. अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो. प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या है? आलसी हो चुके हो कि यार डेली लेक्चर तो डाल ही रहे हैं, चलो ऐसा करेंगे यार आज मैं लेक्चर लगा लिया, अब 2-4 दिन हम लेक्चर नहीं लगाएंगे, उसके बाद फिर एक साथ ही 3-4 लेक्चर लगा लेंगे. भाई अगर ऐसा सोच के बैठे हो तो यार ये थोड़ा सा तरीका क्या है, गलत है मेरे हिसाब से. एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, कुछ चीज को रिटेन करने में, समझने में, उसको याद करने में टाइम लगता है, और अगर आप ये किसी और टाइम के लिए छोड़ रहे हो तो वो टाइम कभी आएगा नहीं. तो दोनों में से जो भी रीजन हो, दोनों में ही नुकसान आप लोगों का हो रहा है. हमारा तो क्या ही नुकसान होगा, ठीक है? अपने को जितना आता है उतने को आता है, वही हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो भाई नुकसान आप लोगों का ही हो रहा है. प्लीज फ्री क्लासेस अगर आपके लिए ली जा रही है तो मेक श्योर करो कि थोड़ा सा आप उसका बेस्ट बेनिफिट उठा पाओ, और अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो शेयर विद द अदर पीपल एज वेल, बट दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, प्राइमरी पार्ट ये नहीं है, ठीक है?
चलो अब बहुत सीरियस सीरियस वाली बातें हो गई हैं, अब यार वापस मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो देखो यार आज मैं सॉरी आज जो मैं अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट सा अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ, उसका रीजन ये है कि कुछ लोग अभी क्या कहते हैं मेंशन करते रहते हैं बीच में कि सर ये एनसीईआरटी ही चल रहा है ना, पता लग रहा है आप कुछ लिख लिख के पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी चल रही है। तो यार मैं आज एनसीईआरटी से आपको पढ़ाऊंगा और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो मैं आपको वहीं पर एनसीईआरटी में मार्क डाउन करा दूंगा, इससे आपको नोट्स की दिक्कत भी नहीं आने वाली, ठीक है। और अगर कुछ और चीज बताने वाली हूँ देयरफॉर आई विल मेंशन इट देयर इटसेल्फ, ठीक है। चलो तो आई होप आप सभी लोग यहाँ पर क्लासेस लगाओगे। देखो आप में से कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं कि सर डेली लेक्चर लेकर आया करो, और जब डेली लेक्चर नहीं भी लेकर आते तब आप लोग लेक्चर लगाते भी नहीं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ये सही रहे मामला, ओके। चलिए तो हम आते हैं, यस हियर इटसेल्फ। तो जैसा कि आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो हमने कल पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूशन, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फ्रेमिंग ऑफ कंस्टिट्यूशन। अब देखो इसके लिए आप ये वाली है एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8th, इफ एम नॉट 8th या 9th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके टॉपिक मिल जाएगा। ये ठीक है टॉपिक, आप ये वाली बुक भी फॉलो कर सकते हो। मैं फॉर द टाइम बीइंग क्लास 11th की बुक फॉलो कर रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है, बताऊंगा क्यों, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं यार, मेरे लगता है काफी सारी बातें हो चुकी हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, एक सेकेंड इसको मैं इधर कर दूँ, चलेगा आपको, इधर लग देता हूँ उसको मैं थोड़ा सा, या इसको इधर कर देते हैं, आई थिंक दिस इज बेटर। चलो ऐसे ही ठीक है, इधर रख देते हैं, थोड़ा सा ना ये प्लस माइनस हो जाएगा, ओके। चलो सबसे पहले देखो, हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, कहाँ गया यार, इसको इधर ही कर देते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ओके। तो देखो सबसे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखो तीन चार क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको आंसर करने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट एनी सब्जेक्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको तीन चार क्वेश्चन के आंसर करने चाहिए। सबसे पहला क्या है आपका, व्हाट सॉरी व्हाई, व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये चार क्वेश्चन के आंसर आपको करने चाहिए। अब जरा हमारे केस में अगर हम देखें तो वाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, एक पूरे के पूरे कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमने वाई कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नीडेड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देन आती है सर कहानी वॉट की, अरे यार ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, वाई एंड वॉट की, वॉट इज कंस्टिट्यूशन ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमने कब पढ़ा था, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंस्टिट्यूशन होता क्या है, पॉलिटी क्या होती है, इसके क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या उसकी मीनिंग है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज की कक्षा में बात करने की कोशिश करेंगे इन दो क्वेश्चन की, कि पहली बात तो हमारा संविधान बना कब, बना कब और कैसे बना, तो पहले हम देखेंगे कैसे बना और फिर कब बना, कब बनकर तैयार हुआ, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हम आंसर कर पाते हैं तो हमारा एटलीस्ट एक पूरा का पूरा बेस, एक पूरी की पूरी क्लैरिटी मेंटेन हो जाएगी, समझ लो रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही देखो चैप्टर का नाम भी है व्हाई एंड हाउ। अब व्हाई वाला रीजन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो किसी ने मुझे याद है मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, तो किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं कराया, फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं कराया था बिकॉज उसका मतलब हमारे से पहले ही समझ चुके थे कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, वो हमने कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि भैया ये क्यों रीडिंग था, एवोल्यूशन के प्रोसेस में हमने देख लिया था। अब हाउ कैसे हुआ है ये हम लोग आज इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। चलो एक हल्का सा ग्राउंड वर्क तैयार करता हूँ, फिर हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ग्राउंड वर्क क्या है, देखो हो क्या रहा था ना हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ था, खत्म होकर हटा था, वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ था, खत्म होकर हटा था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटेन वॉज मतलब काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा था, ब्रिटेन के अंदर डिस्टर्बेंस आ चुकी थी, और जो वहां की पार्टी थे पार्टी पे मतलब एक पार्टी वहां पर रूल कर रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी, उसके जो हेड थे उनका नाम था विंसर चर्चिल। ये वही इंसान है जिसने जिसने बहुत ही गंदा कमेंट किया था अगर आपको याद हो, कि जो भुखमरी हो गई थी बंगाल के अंदर और बहुत सारे लोग फेमाइन के चक्कर में या फेमिन के चक्कर में या भुखमरी के चक्कर में मर गए थे, तो उस टाइम पर उन्होंने कमेंट किया था कि गांधी क्यों नहीं मर रहा है ना, गांधी क्यों नहीं मर रहा, समथिंग लाइक दैट। तो इनको वैसे ब्रिटेन के अंदर बहुत महान माना जाता है, बट चलो मैं इस लोग कमेंट नहीं करूंगा। तो बेसिकली विंसर चर्चिल जो थे ना ये हार गए वहां पर, वर्ल्ड वॉर टू वगैरह देख रहा था कि मिसमैनेजमेंट कितनी ज्यादा हुई थी, ये हार गए यहाँ पर। अब होगा क्या यहाँ से, इसके बाद जो आते हैं जनाब उनका नाम है क्लेमेंट एटली। ये नाम आपने हिस्ट्री के अंदर पक्का सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जब आप हिस्ट्री पढ़ लोगे तब आप उस टाइम पर सुन लोगे। क्लेमेंट एटली बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। क्लेमेंट एटली ने ये देख लिया था कि यार ये इंडिया, देखो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हमें पता लग गया था कि वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, ऊपर से इंडिया के अंदर रिवोल्ट चल रहा था, मतलब लोग फ्रीडम के लड़ रहे हैं, तो यार ये सब चीजें मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। और ने ये भी बात समझ में आ गई थी कि यार देखो ऐसा है कि इंडिया को आजाद करके इस पचड़े में पड़ते ही है, बिकॉज इतनी मिसमैनेजमेंट हो रही है, हम लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इंडियन लोग में गांधी जी हो गए, ये हो गए, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं वो सबके सब इतने इंपावर हो चुके थे, लोग इतने साथ जुड़ चुके थे कि आज नहीं तो कल उन्हें आजादी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अपना नाम क्यों खराब करना। ऐसे करते हैं स्मूदली ट्रांसमिशन सॉरी ट्रांसफर कर देते हैं पावर्स का।
तो ये क्या करते हैं, क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली ये क्या करते हैं, आपके तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, अपने यहाँ के तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजते हैं, तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजते हैं इंडिया, इंडिया भेजते हैं। और ये जो भेजते हैं, इसीलिए आपको ऐसे बहुत सारे लोग हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा इसे उसे कैबिनेट मिशन प्लान क्यों बोलते हैं। आज आपको पता लग गया कि कैबिनेट मिशन प्लान क्यों बोलते हैं, बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान लेकर इंडिया इन तीन लोगों को भेजते हैं। अब ये तीन लोग कौन है, अगेन वैसे आप हिस्ट्री में पढ़ लोगे, लेकिन आपको बस मोटा मोटा बता देता हूँ एक बार फटाफट से। ये तीन लोग हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। यस, ये तीन लोग कौन है, तीन कैबिनेट मिनिस्टर, एक का नाम है पैथिक लॉरेंस, एक का नाम है स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये वही है जो कि पहले भी एक बार आ चुके थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और एक का नाम है आपका ए वी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये तीन लोग यहाँ पर आपके इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आए। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या बोला, देखो ऐसा है, इन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे देश को आजाद तो हम करके चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए देश को आजाद करके हम जब तुम्हें छोड़ जाएंगे, तो तुम्हें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कहीं हमारे देश में सिविल वॉर जैसी कंडीशन, गृह युद्ध जैसी कंडीशन ना हो जाए, इसे मेक श्योर करने के लिए ये बोला गया कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आप लोग अपने देश का संविधान बना लो। आप क्या बना लो, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लो। अब इसके अंदर जो भी जरूरत आपको रिक्वायर्ड है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किस किस तरह से कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को लेकर आते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प होगी वो हम लोग आपको देने के लिए बिल्कुल क्या है, तत्पर हैं, बिल्कुल हम आपको देंगे, ठीक है। बाय द वे, कैबिनेट मिशन प्लान आया कब था, ये आया था आपका 1946 के अंदर आपको ये देखने को मिला था, ठीक है, 1946 में आपको देखने को मिला था। और इसके बाद आपका प्रोग्रेसिवली आगे चीजें चलती रही, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लो। अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक चीज स्टार्ट करी जिसे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कि वहां पर एक ऐसी असेंबली, असेंबली का मतलब क्या, लोग वहां पर बैठेंगे और लोग वहां पर बैठकर क्या बात करेंगे कि भैया संविधान बनाना कैसे है, उसके रिगार्डिंग बात की जाएगी इस कंसर्न असेंबली के अंदर। तो अगर आपको समझ आ गया कि ग्राउंड वर्क क्या है, बेसिकली ग्राउंड वर्क क्या है, अब देखते हैं इसी कंसर्न असेंबली की कहानी। तो पेज नंबर 14 के ऊपर जाएंगे हम लोग, पेज नंबर 14 के ऊपर जाएंगे, जूम इन कर लेता हूं हम लोगों के लिए। देखो ये लिखा हुआ है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, एक सेकेंड ये अपना हाईलाइटर, ओके, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, एक मिनट, ये तो मेड हो गया, देखो वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच हैज बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। ये सब छोटा भी आपको समझाऊंगा इस चीजों, इस चीजों के रिगार्डिंग। देन क्या बोलता है, इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखना। सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को कहां पर हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी। लिखा है यहां पर, चलो मैं लिखा नहीं, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है, ओके। दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन, अरे यार, दिस मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर आपकी पहली मीटिंग ये देखने को मिली 9 दिसंबर 1946 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जब ये मीटिंग होती है, अभी इसके रिगार्डिंग हम लोग और चीजें और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, हम टेंशन मत दो, बस एक बार मोटा मोटा देख लो, फिर आपको अच्छे समझाता हूँ मैं। उसके बाद क्या बोला यहाँ पर कि हाँ ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या बोला यहाँ पर कि कहाँ गया आपका, हाँ, इट्स मेंबर वर, इट्स मेंबर्स वर, वहाँ पे जो कुछ मेंबर्स वहाँ से कुछ मेंबर यहाँ पर आते हैं, इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय द इंडायरेक्ट इलेक्शन। तो कुछ क्या होते हैं मेंबर्स, क्या होते हैं, इंडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर आते हैं, और जो कि किस बेसिस के ऊपर हुआ, कि जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर जो बन चुका था इन द केस ऑफ 1935। अगर आपको याद हो, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया था, वहां पर भी लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग के रिगार्डिंग कुछ काम हुआ था, बाई कैमलिज्म के रिगार्डिंग कुछ काम हुआ था। तो वहां पर कुछ प्रोविजन तय किए गए थे कि किस तरह से हम लोग इलेक्शन वगैरह कंडक्ट कराएंगे और किस तरह से कोई भी जो आप लोग, मतलब जो भी लीडर्स वगैरह हैं, वो पावर के अंदर आ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं और देश को चला सकते हैं या फिर प्रोविंसेस को चला सकते हैं। तो उन्हीं प्रोविजन के तहत यहाँ पर क्या हुआ, कुछ मेंबर्स को चुना गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि बस ये कुछ खास नहीं, हमें छोड़ना नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, ईच प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोविंस, एक होता है आपका प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, प्रोविंस वो है जो कि डायरेक्टली किसके अंडर कंट्रोल के अंदर आ रहा है, दैट इज कमिंग अंडर द डायरेक्टली डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर आ जाए उसे बोलेंगे अपन प्रोविंस। जो प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल कर बन रहा है, मतलब वहां पर अभी भी कौन बैठा है, वहां पर राजा लोग बैठे, वहां पर अभी कौन बैठा है, राजा लोग बैठे हैं, लेकिन राजा अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट कर रहा है। तो कुछ राज्य ऐसे थे हमारे देश में, कुछ जगहें ऐसी थी जहां पर हमारे देश के अंदर जहां पर राजा लोग अभी बैठे थे, और कुछ जगहें ऐसी थी जहां पर क्या थे, जो भी इलाके थे वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आपके आ गए थे, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो क्या बोला कि वहां पर जो भी मेंबर्स चुने जाएंगे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो क्या करेंगे, कुछ उनको प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया गया, कि मतलब क्या है, जो भी सीट अलॉटमेंट होगी, कुछ लोग क्या होंगे, प्रोविंस से आएंगे, कुछ लोग क्या होंगे, आपके प्रिंसिपल स्टेट से आएंगे। ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज क्या हो जाए कि मतलब सभी लोगों को एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए। टोटल मिलाकर देखा गया कि 292 मेंबर्स आपके आते हैं प्रोविंसेस से, और 93 सीट्स जो होती है वो आपके आती है प्रिंसिपल स्टेट से।
ठीक है, अभी थोड़ी सी इसकी क्लियर मैं आपको और समझाऊंगा ऐसे करके। अब जो सीट्स आपकी प्रोविंसेस से आ रही थी इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था, हमने क्या कहते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर में देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाली कंडीशन या फिर कह सकते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट की कंडीशन को प्रेजेंट किया गया था उस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। वहां से क्या हो चुकी थी, हमारी कम्युनिटी को क्या क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो ये डिवीजन यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल कि जो प्रोविंसेस से जो सीट्स आ रही थी ना उसको भी तीन मेजर कम्युनिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देखो यहां पर क्या है, सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री मेन कम्युनिटीज, दैट इज मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल। जनरल का मतलब क्या, बाकी सबके सब इसके अंदर आ गए, वेदर वी टॉक अबाउट हिंदूज, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन, जो भी आपके हैं। तो मुस्लिम, सिख और जनरल के अंदर यहां पर डिवाइड कर दिया गया और रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, देन यहां पर क्या बोला कि ये तो चलो कुछ काम का नहीं है, हाँ, और ये किस तरह से सिलेक्शन हो गया ये भी मेरे काम का नहीं, हम देखेंगे बाद में। पीआरएस और एसटीवी सिस्टम के थ्रू आया था, वो भी हमारे कुछ खास काम का नहीं है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पैराग्राफ के अंदर आता है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक के ऊपर फिर से आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये सब तो होगी सर बातें इसके रिगार्डिंग। अब ये जो पेज है ना, ये बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट पेज है, मतलब पेज नहीं एक्चुअली, मैं छोटी सी पीडीएफ काइंड ऑफ स्टफ है ये, मैं आपको यू नो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर हम लोग मैं बोल दूंगा टीम को कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इस लिंक को ऐड कर दें, नहीं तो मैं आपको कमेंट के अंदर एक प्रॉपर लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के ऊपर जाकर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स चेक कर लेना। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो शायद ऑलरेडी वहां पर सारा कास्ट के नाम का मैंने कमेंट कर दिया होगा, वहां पर एक लिंक पड़ा होगा, उसको कॉपी करके आप सर्च कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है, आपको ऐसा जरूरत नहीं होनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि सर मैं अलग से कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर समझते हैं कि पूरे की पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके लिए एकदम फिल्टर आउट करके रख देगा, देयरफॉर इट इज वेरी वेरी नाइस काइंड ऑफ स्टफ व्हिच हैज बीन गिवन आउट हियर। चलो समझते हैं जरा, फर्स्ट डे इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इससे पहले देखो एक मिनट, जब यहां पर ना एक पॉइंट लिखा होगा, एक सेकेंड, ओके चलो ठीक है, ये आया नहीं ना इधर, ओके चलो ठीक है, ये है यहाँ पर, ओके नीचे लिखा हुआ है, मैं पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको वापस ऊपर वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली देखो यही प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, कि ना थोड़े से ना पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे मेंशन किए होते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा होता है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट थ्री, ये सब बात, एक मिनट इसको बाद में बात करते हैं, ये बाद वाला पॉइंट आ गया, सॉरी। देखो अभी जो मैं आपको पॉइंट समझाया था वो ये पॉइंट, ये था, ये पॉइंट क्या था, दैट इज, अरे यार ये क्या हो जाता है, ओके देखो ये वाला पॉइंट यहां पर ये था, किधर लिखा हुआ है ये देखो, ये लिखा हुआ है एज टू इस कंपोजिशन मेंबर्स वर चूजन इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो मेंबर प्रोविंसेस से आ रहे हैं, जो मेंबर कहां से आ रहे हैं, प्रोविंसेस से आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, देखो बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो प्रोविंसेस से आ रहे हैं यानी कि जो इलाके डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर है, वहां से जो भी चुनकर मेंबर आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं। दो वर्ड्स में लेकर बना, इनडायरेक्ट और इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या है, चुनाव होगा, वोटिंग होगी, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि वो हम लोग आम लोग किसी एक इंसान को चुनेंगे और ये इंसान अल्टीमेटली जाकर किसी और इंसान को चुनेगा और फिर वो जाकर रिप्रेजेंट करेगा आपको असेंबली के अंदर। तो यहां पर इसे बोलते हैं इंडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था इंडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर, इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताया था मैंने आपको, आई होप आपको चीजें क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो प्रोविंसेस से जो इलाके आएंगे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर है वहां से मेंबर इलेक्टेड होकर आएंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आएंगे, वो इलेक्टेड होकर आएंगे, ठीक है। Whereas, और ऐसे कितने मेंबर्स आएंगे, 292 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, 292 मेंबर्स वर इलेक्टेड थ्रू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओके। अब 93 मेंबर्स जो होंगे ये कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके प्रिंसली सेट से। अब देखो जहां पर राजा बैठा है, अब खुद इमेजिन करो कि आप राजा हो, अब आपने पूरा दरबार वगैरह सजा रखा है, अब आपको बोला जा रहा है कि भैया हमें ना कुछ लोग चाहिए आपके यहां से जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेंगे, बोला ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप वहां पर बैठकर वोटिंग करवाओगे क्या? अरे भाई आप राजा किस मामले के हो, आप काय को राजा बने हो, राजा इसलिए बने हो कि आप हर चीज के अंदर अपना हक जमा सको। तो क्या बोलोगे, ठीक है हम भेजेंगे भाई तुम चले जाओ, तुम बजाओ, राम सुंदर, श्याम सुंदर, जो भी है, रामू काकू, जो भी जिनको भी आपको भेजना है आप खुद चुनोगे उन लोगों को और खुद भेज दोगे, बेटा तुम चले जाओ, आप वहां पर वोटिंग नहीं कराओगे, समझ रहे हो। तो यहां समझना 93 जो मेंबर्स हैं वो किसी वोटिंग होकर नहीं आए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 93 मेंबर्स जो प्रोविंसेस से बिलोंग करते थे, प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे, दे वर रिप्रेजेंटिंग, देखो 93 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये जो होकर आ रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया यार, मैं लिख देता हूं आपके लोगों के लिए, ये आ रहे थे आपके नॉमिनेशन से, दे वर नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो कुछ मेंबर क्या हुए आपके इलेक्टेड होकर आए और कुछ मेंबर आपके नॉमिनेटेड होकर आए। नॉमिनेटेड वाले कहां से आ रहे हैं आपके प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं, और इलेक्शन वाले होकर आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं प्रोविंसेस से निकलकर आ रहे हैं।
आपको ये वाली चीज तो समझ आई होगी। तो 93 यहां से आ गए और 292 यहां से आ गए, लेकिन चार मेंबर्स आपके और आए थे, ये कुछ नहीं थे, ये आपके चीफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए थे आपके थे चीफ कमिश्नर्स थे प्रोविंसेस के थे, और ये प्रोविंसेस कौन से थे, चार प्रोविंसेस थे, एक का नाम है आपका दिल्ली, एक का नाम है आपका अजमेर, एक है आपका कैलकटा, एक है आपका कैलकटा था क्या था मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, सी एक थर्ड वाला, एंड फोर्थ था आपका बलूचिस्तान। एक सेकंड यार, ये कैलकटा नहीं था यार, कोई और था यहाँ पर, ओके एक सेकंड, एक तो ये था, अरे यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, ये थर्ड वाला, ये ऐसे चार सेट चार जगहों से निकलकर आपके ये आ रहे थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता वैसे, पर छोड़ो आप, है ना, इसको छोड़ दो, टोटल मिलाकर आप प्लस करोगे तो कितने हो गए आपके 389 मेंबर्स आपके हो गए। तो जब आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली 9 तारीख को मिलती है, उस टाइम तक 389 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट कर रखा था, 9 तारीख को जब मिलेंगे तब उसमें 399 के 389 मेंबर्स नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि 200 कुछ मेंबर्स यहां पर आए थे, लेकिन बाय द टाइम एक लिस्ट जो बन चुकी है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर ने पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है। अब ये 389 मेंबर हमेशा 389 मेंबर नहीं रहते हैं, मतलब इन सभी लोगों ने कंस्टिट्यूएंट हमारा देश का संविधान बनाने की स्टार्टिंग तो करी, लेकिन बीच में से ही कुछ मेंबर क्या हो गए, देश को छोड़ के चले, या फिर इस काम को छोड़ के चले गए। अब वो लोग कौन से, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वो लोग हैं, ये देखो यहां पर द टोटल मेंबर ऑफ द असेंबली, मैं थोड़ा आपके लिए और जूम इन कर देता हूं, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो हाँ अब जूम इन हो जाएगा, ओके देखो कहां यहां पर, ये रहा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओके ये रहा, ओके देखो यहां पर क्या हाँ, the total membership of the assembly was to be 389, ये तो मैंने आपको बताई थी। However, as the result of partition, partition का result मतलब जब क्या कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान डिवाइड हो गया और मतलब अलग हो गया विद द इंडिया का जो पूरा का पूरा यूनियन था वहां से, किसके अंडर हुआ, माउंट बेटन प्लान के अंदर, यहां पर आपके ये बात बोली गई थी जो कि 3rd June 1947 को रिलीज किया गया था। तो यहां पर क्या होगा, एक सेपरेट पाकिस्तान वाला मुल्क क्या हो गया, यहां पर बन गया। तो अ सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप फॉर पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द प्रोविंसेस सीज्ड टू बी द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, मतलब सीधी सी बात क्या कहना चाह रहा है कि कुछ मेंबर्स जो थे, कुछ इलाके जो थे जो पाकिस्तान के पास चले गए थे, तो पाकिस्तान का भी संविधान बनाना जरूरी था, इसलिए उनकी एक सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। लेकिन जो हमारे देश की कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो रखी थी, जो बहुत ऑलरेडी काफी सारा काम कर चुकी थी, अभी हम देखेंगे क्या क्या काम किया था, उस काम के अंदर जो लोग मतलब पहले सबके सब लोग एक थे, अब जब उनका सेपरेट चला गया तो वो ये वाली कंस्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ के चले जाएंगे और वो जाकर वो वाली कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ऐसा करके। सो एज अ रिजल्ट मेंबरशिप ऑफ द असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299, जो 389 मेंबर्स थे अब वो कितने हो गए, 299 मेंबर्स क्या हो चुके, बन चुके। कभी कभार इसको घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो पहले क्या थे, जब हमारी जब पहले अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक होती है आपकी आईएनसी, एक होती है आपकी मुस्लिम लीग। आईएनसी की स्टार्टिंग किसने करी थी, लॉर्ड डफरिंग के टाइम पर 1885 के अंदर ये आईएनसी स्टार्ट की गई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। किसने स्टार्ट करी थी, ह्यूम ने स्टार्ट करी थी, और इसके अंदर इसको माना जाता था बाद में, वैसे ऐसा कुछ था नहीं लेकिन माना जाता था बाद में कि ओवरऑल इसके अंदर थोड़ी सी कह सकते हैं कि जो जनरल लोग की पार्टिसिपेशन क्या थी, ज्यादा थी। और ये जो था मुस्लिम लीग वाला जो था ब्लॉक, ये मुस्लिम्स के लिए या फिर जो मतलब जो बेसिकली मुस्लिम्स हैं उनके लोगों के लिए एक सेपरेट ब्लॉक बनाया गया था, और इसने भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मामलों में बहुत ज्यादा इनका इन्हें स्टेक लिया। जब स्टार्टिंग ऑफ द क्या कहते हैं, अच्छा बाय द वे किसने स्टार्ट की थी, ये की थी आपके नवाब सलीमुल्लाह ने और आगा खान जी ने स्टार्ट करी थी। आगा खान वॉज द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करो कि मुस्लिम लीग फॉर्म किस दिन हुई थी, किस साल में हुई थी, कब फॉर्म हुई थी, 1905, 1906, 1911, व्हाटएवर द केसेस जो कि आपको पता है, प्लीज मेंशन करना कि मुस्लिम लीग फॉर्म कब हुई थी, ठीक है, लखनऊ में फॉर्म हुई थी वैसे, चलो एनीवेज, ओके। तो जब हमारे देश की जब ये 389 मेंबर्स थे, तो इसमें क्या था, आईएनसी वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, मुस्लिम लीग वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। बट अब जब क्या हो चुका, जब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेपरेट डिमांड थी वो किसकी थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी, और यहां पर जो मेन जो आर्किटेक्ट थे इस डिमांड के, दैट वाज क्या थे अपने, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, बड़ा वैसे काम खराब किया था, चलो क्या बताऊंगा उसके ऊपर, कभी हिस्ट्री वगैरह पढ़ने का मौका मिला तो जरूर बताऊंगा आपको। एनीवेज तो क्या था आपका, तो ये अब जब अलग हो चुका है तो क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग यहाँ पर क्या कर देगी, छोड़ के चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि मेंबर ड्यूज कब हुए थे, क्यों हुए थे, एक तो क्या मुस्लिम लीग छोड़ के चली गई, सिंपल क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकते हैं। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि कुछ मेंबर छोड़ के चले गए थे बिकॉज दे वर लाइक मेकिंग देयर ओन कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, या उसके लिए काम कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई, चलो जी ओके। तो ये वाली कहानी तो हमारे पास हो गई समाप्त की, यार क्या था क्या का काम हुआ था, ये वाली तो हो गई समाप्त। अब फटाफट आते हैं सर, हमने हम ये देखेंगे कि सबसे पहले काम जो किया, क्या क्या प्रोविजंस थे, कुछ कुछ और जानने की कोशिश करते हैं।
देखो सबसे पहले क्या था, कंसर्न असेंबली सबसे पहले कहां पर मिली, न्यू दिल्ली के अंदर मिली। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर मिलती है। और कहां पर मिलती है, सबसे पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर आपकी मीटिंग होती है, ठीक है, जिसको आज के टाइम पर, जिसको अब हम बोलते हैं सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, ये बोलते हैं। ये सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक वाली बात थी, बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है। अब जब पहली बार मिलेंगे तो ये कुछ नहीं है कि सेमी सर्कुलर रोज थी, ये थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखता, समझे जरा। यहाँ पर द इनॉगरल सेशन जो होता है, इनॉगरल सेशन कब हुआ, वही 9 दिसंबर को इनॉगरल सेशन होता है, 11 बजे आपका सेशन खुलता है, आलसी लोग थोड़े से तो 11 बजे खोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो प्रेजिडेंट बनाए जाते हैं, देखो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये क्या थे, टेम्पररी चेयरमैन थे। ये क्या थे, टेम्पररी चेयरमैन थे। तो परमानेंट चेयरमैन कौन थे, अभी देखेंगे यहाँ पर आपका आएगा आगे आंसर। आया नहीं वैसे, यहाँ पर नहीं लिखा है, चलो मैं लिख देता हूँ आपको। यहाँ पर है आपके, देखो ये है आपके, मैं रच लिख देता हूँ, इनका नाम है आपका, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या है आपके, ये क्या है आपके परमानेंट प्रेसिडेंट और द फर्स्ट एक्चुअल प्रेसिडेंट ऑफ कौन से आपके, दैट इज कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे। और इनकी फील्ड में बहुत सारे काम हुए, उसके रिगार्डिंग अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग पूरी लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसने बनाया था, आचार्य कृपलान जी ने बनाया था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे देखते हैं। वाइल वेलकमिंग डॉक्टर सिन्हा द अदर्स, आचार्य छोड़ो ये कुछ काम का नहीं, ये बकवास, क्या बोला हमें, हमें क्या करना है भाई, क्या बोला उन्होंने, है ना, उनकी मर्जी जो मर्जी बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है, बस आपको याद कर रखना है यहाँ पर, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टाफ आउट हियर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। देन क्या किया इन्होंने यार, कुछ खास नहीं किया, 9 तारीख को अभी तो वो सबसे पहले सबके सब मिले हैं, तो क्या करें, कुछ नहीं, बस गुडविल मैसेजेस वगैरह दे दिए, है ना, और बस ये बोला कि जो जो बाकी सब दो देश थे जो वाहवाहियां कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, कंग्रेचुलेशंस कर रहे थे, सबके सब हाँ हाँ में कर दी, बात यहाँ पर बेसिकली खत्म हो गई, ठीक है, कुछ और खास काम नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी देखो 9 तारीख को यहाँ पर मिले, 9 तारीख को मिले, 9 तारीख को कुछ खास काम नहीं हुआ, 10 तारीख को कुछ काम खास नहीं हुआ। अब 11 तारीख को जब मिलेंगे ना, 11 तारीख को जब मिलेंगे, तब यहाँ पर ये 11th December 1946 को ये क्या बन गए थे, हमारे सबके पहले क्या बन गए थे, आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। अब ये खाली ये प्रेसिडेंट नहीं रहे, इसके अलावा कुछ और पोजिशन को भी बनाया गया था। अब देखो प्रेजेंट सारे काम थोड़ी करेगा, कुछ लोग और भी जरूरत है, तो कुछ लोग की जरूरत होती है उनको बोलते हैं, अपन बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए आपके, 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, एक का नाम है आपका हरीश चंद्र मुखर्जी एंड अलॉन्ग विद दैट एक बनाए थे आपके वीटी कृष्णमाचारी। ये दोनों के नाम याद रख लेना, वीटी कृष्णमाचारी ये आपके बनाए गए, ठीक है, समझ आ गई कहानी, इतनी समझ में आ गई। अब ये लोग बेसिकली काम करेंगे क्या, इसके लिए थोड़ा सा हमें अलग जाना पड़ेगा मामला, ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक ब्लैंक पेपर समझा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको दिखा भी दूंगा एनसीईआरटी में कहां पर लिखा है, पर एक चीज से आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। ओके, तो ये तो होगी कहानी यहां तक की। अब होगा क्या, जब सबके सब लोग इकट्ठे हो गए, सबके सब बातें हो गई, जो भी करना था, हाई हेलो करना, सबको हाई हेलो, सब कुछ हो गया। अब आते सर, अब कुछ काम वाम भी कर लो, तो होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी, कौन नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी कौन है आपको पता ही अच्छे से, ठीक है, ये क्या बोलेंगे, देखो भैया अब 13 दिसंबर का टाइम आ चुका है, 13th of December का टाइम आ चुका है, 13 दिसंबर को ये क्या करते हैं, सबसे पहला प्रेजेंट करते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज द वेरी फर्स्ट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट विच वॉज, जो कि आपका पेश होता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। इसका बेसिकली फंक्शन क्या, इसका बेसिकली काम क्या था, इसमें कई सारी चीजों के बारे में बात, ये क्या हो गया, अरे यार ओहो ओके, इसके अंदर क्या क्या काम किया जा रहा था, इसके अंदर बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग मेंशन किया गया था, ये आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें यहां पर मेंशन की हुई थी। ये है आपका, अरे यार एक सेकेंड, अरे नीचे हो जा भाई, क्या क्या चीजों के रिगार्डिंग बात की गई थी। देखो इसमें ये बोला गया था कि हमें सबसे पहले तो हमारा मेन एम क्या है कि हम लोग क्या करें, पूरा का पूरा संविधान बना ले। फिर ये बोला गया था कि हमारा देश बेसिकली वर्किंग किस तरह से करेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सोवेनियर कंट्री। थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए कि इंडिया क्या है आपका, इंडिया सोवेनियर कंट्री है। देन ये बोला गया कि इंडिया शैल बी द यूनियन, इंडिया एक क्या रहेगा, यूनियन रहेगा, मतलब सबके सब लोग क्या रहेंगे, साथ में मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं आपकी जो टेरिटरीज, जो भी यूनियन बनाएगा वो क्या रहेंगी, ऑटोनमस रहेंगी,
ऑटोमस मतलब क्या, ऑटोमस रहेंगी मतलब क्या, अपने अंडर खुद काम कर लेंगी, है ना, उनको किसी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। ऑल पावर्स जो होंगी वो ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फॉलो फ्रॉम द पीपल। मतलब क्या है, जो भी सोवरेनिटी वगैरह के रिगार्डिंग बात की जा रही है, मतलब आम लोग भी क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा फील करेंगे, आप किसी के लिए किसी का गुलाम वगैरह नहीं बनने वाले। देन यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस वगैरह के रिगार्डिंग बात की गई, बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग बात की गई। ये भी बोला कि हमारा देश माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस को भी क्या करेगा, आगे पुश करने की कोशिश करेगा, इसके रिगार्डिंग बात की गई। देन रिपब्लिक सिस्टम के रिगार्डिंग बात की गई, बहुत चीजों के रिगार्डिंग बात की गई। और यहाँ पर बस ये मतलब क्या है कि हम लोग पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वर्ल्ड पीस के अंदर और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के रिगार्डिंग भी यहाँ पर क्या करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजों के अंदर यहाँ पर लिखा था, किसके अंदर, आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था। लेकिन अगर मोटे तौर पर सीधी सी बात बतानी हो तो मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि आप क्या करोगे, हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये बोला गया कि भैया ऐसा संविधान बनाओ कि ये सब की सब जो चीजें आपको मैंने बताई, ये सब की सब उसके अंदर क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने क्या करा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ मेन एम बना दिया। ये क्या बना दिया, मेन एम बना दिया हमारे संविधान का। और क्या करा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे क्या कर लिया, पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टेड इट, अडॉप्ट कर लिया कि भैया हाँ यही हमारा क्या है, पूरा का पूरा मेन मुद्दा है और हम इसके पीछे काम करेंगे। अब इन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, इसके लिए क्या करा, काम करने के तौर पे कुछ तो करना पड़ेगा, तो कमेटीज बनाई इन्होंने, बहुत सारी कमेटीज बनाई और हर कमेटी को काम दे दिया, हर कमेटी को काम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल की यार हमारे देश के अंदर एजुकेशन के बारे में क्या कहते हो, तो उसके रिगार्डिंग ये क्या हो गया, एजुकेशन एक क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट किसी को पकड़ा दिया, फिर एक सब्जेक्ट किसी को पकड़ा दिया, फिर एक सब्जेक्ट किसी को पकड़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, या हम लोग पैसा इकोनॉमी कैसे हैंडल करेंगे, कुछ चार पांच लोगों को ये वाला काम दे दिया, पांच चार पांच लोगों को ये वाला काम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पर पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस इतिहास सर पढ़ा रहे हैं, देन आपके क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स कोई और पढ़ा रहा है, कोई और सब्जेक्ट कोई और पढ़ा रहा है। ऐसे कर करके क्या हो रहा है, हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया कि कुछ काम आप करो, कुछ काम आप करो। अब जब सबके सब आप ये काम कर लोगे, सबके सब सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग पूरी रिसर्च खुद कर लोगे, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे अल्टीमेटली रिपोर्ट्स बनाओगे इसकी, और रिपोर्ट्स बनाकर किसको दे दोगे, जिस जहां से ये वाला काम शुरू हुआ, वो जो कि कौन सी है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो रिपोर्ट्स को सबमिट कर दोगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट कर दिया आपने रिपोर्ट। अब ऐसे रिपोर्ट्स तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, इन बहुत सारी रिपोर्ट्स का करना क्या, तो ये वाला जो काम बोला गया ये किसको काम दिया गया, ये दिया गया इसके लिए एक पोजीशन बनाई गई जिसे बोलते हैं एडवाइजर टू सीए, एडवाइजर टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एक पोजीशन बनाई गई। अब इस पोजीशन के अंदर, इस पोजीशन के अंदर इनको मतलब किसको बिठाया गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बी आर अंबेडकर नहीं है, ये है आपके बी एन राव, ठीक है। बहुत सारे लोग कच्चा खा जाते हैं, ये खाना नहीं है, ठीक है। एडवाइजर टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली कौन है, असेंबली कौन है, बी एन राव। ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे मोटा मोटा ड्राफ्ट, एक मोटा मोटा ड्राफ्ट बनाएंगे। मतलब क्या, कुछ चीजें बिल्कुल ही वेग वेग से लिख दी थी, उस सबको हटा बटा के फिल्टर बिट आउट करके इतने मोटे कंटेंट का इतना कंटेंट बना देंगे, इतने मोटे कंटेंट का इतना इतना कंटेंट बना देंगे। क्या ये हमारे देश का संविधान है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस ये वो सब बातें हैं जो एक जगह पर इकट्ठी हो जानी चाहिए कि मतलब ये सब बातों के रिगार्डिंग हम लोग ये सब प्रोविजंस को हम लोग इकट्ठा करेंगे, इनको और स्टडी करेंगे, इनको फर्दर स्टडी करके हम यहीं से ड्रॉ करेंगे, प्रोविजंस को ड्रॉ करेंगे जो कि हम अपने संविधान के अंदर हमारे काम आएंगे, संविधान के अंदर हम लोग उसे डालेंगे। तो ये क्या करें, ड्राफ्ट बना के मोटा मोटा ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया। अब ड्राफ्ट किसको दे दिया, वापस बनाकर किसको दे दिया, ये ड्राफ्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहां से इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होगी। वो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ड्राफ्ट से अब करना क्या है, इसके लिए बनाई जाएगी एक अलग से कमेटी, और उसका नाम क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसका नाम क्या आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आप लोग बिल्कुल जो सही सही गैस कर रहे हैं, ये तो आपने पता नहीं इतनी बार रट्टा मार लिया होगा इसका कि मैं क्या ही बोलूं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये है आपके सर, ये है आपके, मैं बताऊंगा ही नहीं आज, आज लेक्चर में बताऊं कि नहीं बताऊं, चलो मैं हिट देता हूं, बाबा साहेब, बाबा साहेब जो है वो आपके इसके चेयरमैन थे। इनका पूरा पूरा नाम क्या होता है वो आप लोग कमेंट पे लिखेंगे, आप इसको, जिसको ये भी नहीं पता गलत बात है, और नहीं पता तो आप मेंशन करना, आप जो भी आप मेंशन करोगे मैं आपको सही आंसर मेंशन कर दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो चेयरमैन इनको किनको बना देगा, बाबा साहेब को बना देगा, प्लस यहाँ पर आपके छह मेंबर आपके और थे, बहुत सारे थे, के एम मुंशी थे और भी पता अय्या भैया करके बहुत सारे आपके मेंबर्स यहाँ पर थे। इनको काम क्या बोला गया, इनको बोला कि भैया देखो ड्राफ्टिंग ड्राफ्ट आपके पास आ गया, अब इस ड्राफ्ट से तोड़ मरोड़ के जोड़ मोड़ के जो भी कुछ करके हमें एक मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दो। वो फाइनल तो नहीं होगा, लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लोगों को समझ है, आप पूरे दिन बुक बुक पढ़ो, जहां भी पढ़ो, किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है उसका पढ़ो, जो भी लिखना है लिखो, जो भी करना करो, बस हमें कुछ टाइम के बाद हमें एक मोटा मोटा एक एक क्रक्स निकाल के दे दो कि इसके अंदर जो अलग अलग बातें की गई हैं उन सबको जोड़कर एक लाइन में पिरो कैसे कैसे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी काम करना है, हमें हमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी क्या करना है, आपको पुश करना है, और हमें क्या करना है, हमें जस्टिस भी क्या करना है, बराबर करना है। तो इन सबको कंबाइंड करके क्या करना दिया गया, एक आपका आर्टिकल बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंडर आ गया,
राइट टू इक्वालिटी के अंदर तीनों चीजों को बैलेंस आउट करके एक स्टेटमेंट बना दी गई है, और स्टेटमेंट के थ्रू सब चीजों का क्या करता है, काम चलता है। तो ये जो काम था ये कि एक स्टेटमेंट सी बना दी जाए, इन सबको जोड़ जोड़ के, जो भी अलग 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 चीजें हैं इन सबको जोड़ के एक मामले में पिरो दो, उसका काम किसको दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी को, यहाँ पर बेसिकली काम देता है। और इसीलिए बाबा साहेब को ही, जो भी बाबा साहेब अभी आप लिख दोगे आपको पता लग जाएगा, मतलब जो मेंशन कर ही दोगे आप लोग, बाबा साहेब को ही यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फादर या फिर इसको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कंस्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने या इनकी टीम ने एक्चुअल में कंस्टिट्यूशन को पैदा किया। अब इन्होंने कोई पक्का कंस्टिट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन ये कंस्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट क्या किया, पैदा किया यहां पर ऐसे करके। अब ये क्या करेंगे, कुछ टाइम लेंगे यार, ऑफ कोर्स इनको इतना भारी भरकम काम दिया तो कुछ टाइम तो ये भी लेंगे। तो ये क्या करते हैं सर, कुछ टाइम लेते हैं और अल्टीमेटली कब जाकर, सिक्स तो मतलब करीबन छह महीने का टाइम लेने के बाद ये क्या करेंगे सर, ये एक ड्राफ्टिंग, ये मतलब पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर, देखो कंफ्यूज नहीं करना है, पहले सिंपल ड्राफ्ट था, ये क्या है आपका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर किसको दे देते हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को उठाकर दे देते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर क्या करेगी भैया, अच्छा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 315 आर्टिकल्स थे। जिनको नहीं पता आर्टिकल्स क्या होता है, टेंशन मत लो, आने वाले क्लासेस में पता लग जाएगा, ठीक है, आर्टिकल्स क्या होता है, शेड्यूल्स क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट इट। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग भी बैठे हैं, जो मिनिस्टर बैठे हैं, अब उनके सामने पूरा का पूरा क्रक्स आ चुका है। अब ये लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर दबादब क्या करेंगे, डिबेट्स करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, आइडियाज करेंगे कि ये सही है, गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये वर्ड सही लिखा है, ये वर्ड गलत लिखा है, ये हटा दो, वो कर दो, वो कर दो, सब चीजों के रिगार्डिंग यहां पर बात होगी कि आपने मेरे लिए बात सुनी, मैंने भी एक चीज बोली थी, वो चीज मिस हो गई, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी कर दो। तो क्या होता है, अल्टीमेटली आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन इसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा सर, जो आपको चाहिए था वो आएगी सर डेट 26 नवंबर 1949 को सब के सब अपने हाथ खड़े कर देंगे और तालियां बजाएंगे कि भैया अच्छा वाला काम हमने कर दिया है, बिकॉज इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, एंड देयरफॉर वी सेलिब्रेट दिस डे एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। परंतु हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू नहीं हुआ। लागू कब होता है सर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है सर आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। क्यों होता है, बिकॉज पूर्ण स्वराज की एनिवर्सरी थी, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जब बात की गई थी, वो बहुत पहले बात की गई थी, कब 1930 के अंदर बात की गई थी, उसकी एनिवर्सरी थी। तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, कमोमरेट करने के लिए 26 जनवरी को बोला कि हम इस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो यहां पर क्या होता है आपका फुल्ली इन्फोर्स हो रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फुल इन्फोर्समेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन आपकी वही क्या कहते हैं आपकी झांकियां वांकियां निकलती हैं, डी डैशल में बैठते होंगे ना आप लोग, एक जमाने में तो हम बैठ कर देखा करते थे, आजकल तो यूट्यूब पे देख लेते सब कुछ। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर को कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ क्या, नहीं लॉन्च हुआ था। क्या इमरजेंसी के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस थे वो लॉन्च हो गए थे, यही नहीं, इसके अलावा क्या थे आपके कुछ पार्लियामेंट किस तरह से काम करेगी, पार्लियामेंट की जो वर्किंग थी उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस लॉन्च हो गए थे, और इसके अलावा भी कुछ और चीजें लॉन्च हो गई थी, पर छोटी मोटी चीजें थी। मेनली जो फुल इन्फोर्समेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो होती है आपकी 26 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1950। ओके चलो ये आई थिंक काफी है। अच्छा हमारे संविधान को लिखा किसने, तो संविधान हम बोलते हैं ना कि संविधान लिखा हुआ है, लिखा किसने, देखो हैंड रिटन जो किया, जिनके द्वारा लिखा गया, इनका नाम है आपका प्रेम बिहारी जी ने इनको लिखा था। और जो आप सजावट देखते हो ना, सजावट जो आपने जो प्रीएम्बल भी देखा होगा उसके सामने लड़िया बना रखी है, ये सब कुछ जो बना हुआ है, वो एक और जनाब थे, वो किसने किया था, तो रिटन बाय दिस, एंड जो डेकोरेशन वाला जो पॉइंट था वो किसने किया था, इनका नाम था, एक्चुअली दो लोग थे पर आप एक नाम याद रख लो, इनका नाम था नंदलाल बोस, आई एम नॉट रॉन्ग, नंदलाल बोस वॉज द नेम, है ना, प्रेम बिहारी एंड नंदलाल बोस वॉज देयर, यहाँ पर आपके दो लोग यहाँ पर थे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर रखा है, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, पार्लियामेंट पर रखा हुआ है। और इसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो कहाँ पर आपकी देखने को मिलती है, वो आपकी देखने को मिलती है सर्वे ऑफ इंडिया जो आपकी हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका था, देहरादून के अंदर आता है, वहां पर आपकी सेकंड वाली जो मतलब जो फर्स्ट कॉपी है और जो है वो वहां पर आपकी रखी हुई है। तो ये सब बातें होगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, एक बार थोड़ी देर के लिए और रुक जाना, अभी थोड़ा सा लेक्चर मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बड़ा हो रहा है लेक्चर, है ना, पर एक बार फटाफट से चीजें और देख लेते हैं। देखो यही वाला वो पेज है, वापस हम आते हैं, अब देखो कुछ नहीं करना, बस हमें चीजों को पढ़ना है, एक बार है ना, हल्के देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये तो हमने देख लिया था,
नीचे 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 करते हैं, नीचे करते हैं, ये देखो जो ये सब चीजें जो मैं आपको पहले बताई थी, बस मैं वही चीजों को एक बार हाईलाइट सा कर रहा हूँ जो आपके सामने दिख जाएंगे, और यही आप नोट्स अपने पास रख भी सकते हो, इसलिए मैं आपको एक चीज करके बता रहा हूँ। द कंसर्न असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, वही 2 साल 11 महीने, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17, ये दिखने रहा होगा आपको, ये देखो 17 डेज टू बी प्रिसाइज टू कंप्लीट द हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 11 सेशन होते हैं, और 61-65 डेज वो क्या हुए एक्चुअल में आकर क्या होते हैं, आप लोग मिल जाते हैं, ठीक है। मैं कुछ नीचे दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। देन क्या है आपकी, ये तो कुछ खास करनी, कुछ खास करनी, कुछ काम करनी, कुछ काम करनी है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो रेजोल्यूशन वॉज, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कांग्या, हाँ देखो ऑन 29th ऑफ, ये देखो एक वाला पॉइंट था ना जो मैंने बीच में बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, द कंसर्न असेंबली सेटअप द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों ने गेस किया था, जिन लोगों ने आंसर किया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही है। टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, वाइल डेलिबरेटिंग अपॉन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली मूव डिस्कस डिस्पोज्ड एज मेनी एज 2473 अमेंडमेंट्स आउट ऑफ अ डिसमस। मतलब क्या बोला कि 2473 चेंजेस किए और 7000 समथिंग चेंजेस के बीच में से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26th नवंबर 1949 एंड द ऑनरेबल मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स ऑन टू इट ऑन 24th जनवरी 1950। तो क्या बोला गया कि 29th नवंबर को बना दिया गया, सब लोगों ने साइन कर दिया गया, और जो लोग साइन नहीं कर पाए थे वो 24 जनवरी तक उन्होंने क्या कर दिया, साइन करके इसको पूरा पूरा पक्का कर दिया कि हाँ हम इससे क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं। इन ऑल 284 मेंबर्स एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग साइंड, और बाकी बाद में आकर आपके देखने को मिल गए, ठीक है। ये है पूरी की पूरी आपकी कहानी, आई होप आपको कुछ कुछ चीजें समझ आएगी कि हमने क्या क्या पढ़ने की कोशिश की है, क्या क्या हमने चीजें देखी हैं यहाँ पर। एक मिनट, क्या क्वेश्चन आ गया, देखो ये आप कुछ और देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट सेशन कब होता है, 9 दिसंबर को, क्या हो जाता है इसको, एक सेकेंड, ये आपका ईयर, ओके। तो फर्स्ट जो आपका सेशन होता है वो आपका होता है 9 दिसंबर से लेकर 23rd दिसंबर तक लेगा, 11 सेशन के अंदर आपकी हुई थी सबकी सब कहानी खत्म, 26 नवंबर को यहाँ पर खत्म हुआ था, ये आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज भी जो आपको से पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये खाली आपको नाम याद रखना है और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट वाली मार्क डाउन कर लो, और कुछ और याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्लियरली बता दूं आपको। एक सर आपकी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे, राजेंद्र प्रसाद जी इनके क्या थे चेयरमैन थे, जो कि आपके प्रेजेंट भी रह चुके हैं कंस्टिट्यूशन असेंबली के। देन सर आपकी आती है, एक आपकी आती है, ये काम की नहीं, काम की नहीं, काम की नहीं, हाँ, एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके ये किसके अंडर थी, ये भी राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर थी। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कंसर्न असेंबली, ये कंसर्न असेंबली काम किस तरह से करेगी, ये जो थे वो थे क्या थे आपके जीवी मरवणकर थे, ये भी याद रख लेना, जीवी मरवणकर सर वही इंसान है जो कि फर्स्ट स्पीकर होते हैं आपके लोकसभा के, पहले स्पीकर जो थे लोकसभा के वो कौन थे, जीवी मरवणकर जी ही थे, ठीक है, ओके। और वैसे ये स्पीकर के इनके खिलाफ इंपीचमेंट का चार्ज भी लगाया गया था लेकिन बाद में फेल हो गया। स्टेट्स कमेटी किसके अंडर थी आपकी, ये थी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी। देन आपकी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज वाले जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथ में। देन ये कुछ काम की नहीं, 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 बिल्कुल काम की नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी आपकी बी आर अम्बेडकर जी के अंडर थी। ये सभी सभी कमेटीज याद रखना, दिस आर इंपॉर्टेंट, और ये पूछते रहते हैं, बस ये कुछ खास नहीं थे, कोई बताया ना प्रोविंसेस कितने, 229 प्रोविंसेस थे, इतने इंडिया स्टेट्स थे, ये 70 करके, बस कुछ यहाँ पर होती है हमारी कहानी समाप्त। लेकिन अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो सब ठीक है, लेकिन 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 कुछ चीजें मैं और जाननी है कि यार ये पीडीएफ का जुगाड़ कहाँ से किया, तो उसका बताता हूँ आपको। देखो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ये आपका, मैं आपको और जूम इन कर देता हूँ, ये ज्यादा हो गया। देखो ये सेम है, मुझे पता नहीं कि ये क्यों ऐसा हुआ है, ये सेम वही पेज, देखो ये सेम वही पेज है जो कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था क्लास 11th की एनसीईआरटी से। जब मैं इसको फिर से गूगल पे सर्च करके इसको मैं डाउनलोड करने लगा तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक लिंक और दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये सब चीज बता रहा था आपको मैं, 9 दिसंबर ये सब कुछ हुआ था, इतने लोग आए थे, यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ है, इसका एक लिंक दिया हुआ है। अब इस लिंक को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला पेज खुल जाएगा। तो ये वाला पेज जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छा सा पेज है और एनसीईआरटी से उठाया गया है, और मेरे को पर्सनली लगता है कि काफी कंसाइज मैनर के अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, उतना डिटेल्ड नहीं है जितना मैंने आपको बताया, बट ठीक है, आपका काम बन जाएगा। तो इफ यू कैन डेफिनेटली चेक दिस थिंग आउट एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, और अगर आपको यहाँ पर कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना कमेंट सेक्शन के अंदर। एक मैं आपसे और भी फीडबैक चाहता हूँ, क्या आप लोग इस तरह से पढ़ना पसंद करोगे जिस तरह से आज आपने पढ़ना पसंद किया है? ये हमेशा नहीं हो पाएगा बिकॉज कुछ कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर हर चीज नहीं लिखी होती है तो आपको कुछ चीजें वहां पर ऐड करनी पड़ जाती है। तो अगर आपको ऐसा तरीका पसंद आए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है,
तो मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर अलग से आप पीपीटी पे जैसे आपने लिख कर पढ़ाते हो तो आप वैसा पढ़ाना चाहो तो मैं वैसे पढ़ा दूंगा, जैसा पढ़ना चाहोगे आप वैसे कंफर्टेबल हो जाओ। मैं आपको दोनों तरीके आपको समझा दिए हैं, दिखा दिए। तो प्लीज एक बार कमेंट के अंदर ये भी लिख देना कि इफ यू आर लाइकिंग दिस अप्रोच देयरफॉर आई विल कंटिन्यू दिस वेयर एवर आई कैन, अदरवाइज वी हैव टू शिफ्ट ऑन दिस मैटर सर इट सर। ठीक है, चलो फिर इतने रखते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज मैसेज जरूर करना एंड मिस मत करना फॉलोड ऑफ वीडियोस। ठीक है, टिल देन गाइस टेक केयर। आई थिंक आई होप फुली आपको लोगों को समझ आया होगा। सी यू द मैन नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। ओ एक सेकेंड, अरे